बैक। सुबह ही सुबह शुरू हो गए। हरामी है भाई, एक तो होते हैं हरामी, ये हिला हुआ है भाई। चल शेर, ले चीता, मजा आ रहा है फिर आज मेरे साथ वर्कआउट करके। ये ट्रेडिशनल शेर तो ये लग रहा है। अबे ले ले जा अपना। क्योंकि यार कोई देना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं भी किसी को देना पसंद नहीं करता। मसाज की बात कर रहा हूँ, उल्टा मत सोच लेना। बहुत मिस करता हूँ मैं ये वाला टाइम, बट ये हार्ड टाइम है। और हार्ड टाइम में ही क्या होता है कि तुम समझ जाते हो अहमियत लोगों की। सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और भाई आपको आई भी अभी तक तो बढ़िया है, ठीक है, फर्स्ट क्लास जैसे कि था। और भाई सुबह सुबह चल दिए जिम, आपको बताया आजकल भाई जिम मार रहा है, डरे हैं जिम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आजकल पता है आपको भाई आपका जिम मार रहा है, बॉडी बनाएगा, सिक्स पैक। सुबह ही सुबह शुरू हो गए यार, देख रहे हो, सुबह ही सुबह अपना आँख खुलती नहीं, चलो भाई वर्कआउट। आज अब वो हो गया, एक जिंदगी में ना रूटीन हो गया कि भाई सुबह ना सुबह 4 बजे से 10 बजे के बीच वर्कआउट करना ही है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सुबह के 4 बजे से 10 बजे के बीच वर्कआउट, फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे के बीच एक वर्कआउट सेशन, बस ये होना ही है। कुछ ही हो जाओ, सैटरडे संडे तो ऐसा रहता है जैसे कॉरपोरेट वालों की छुट्टी नहीं रहती, और अब कुछ नहीं करेंगे। हमारा संडे ऐसा रहता है कि भयंकर, और कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हो। और भाई आपको बताया आज मेरे साथ कौन है? शेर। शेर आज वर्कआउट सेशन करने आए हैं हमारे साथ, शेर की बहन। यार दोस्तों, एक तो मेरे बालों ने ना मेरी ऐसी की तैसी मार रखी है, पता नहीं कब तक बढ़ेंगे अच्छे से, जिससे कि मैं थोड़े कर्ली करा लूँ वालों को ना। डैम ब्रो। तो अभी भाई यार एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये लोअर पता है मेरा कब से फटा हुआ है। और ये मेरा ना थोड़ा सा मेरे को कम्फर्टेबल है ना, तो इसलिए मैं इसको सिलवाता भी नहीं है ऐसे ना। तो ये मेरा फटा हुआ है पता है कब से? 1.5 साल हो गया इसको, पूरी तब से ऐसे चल रहा है इसकी भयंकर। क्या प्राउड वाली बात नहीं है ये, बस ऐसी है टाइम पास। तो भाई चलो अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। शेर से परेशान हूँ पता है, परेशान मतलब नहीं परेशान नहीं, मैं भी मेंटली टॉर्चर कर देते हैं इंसान को। मैं बोल रहा हूँ आज हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट, ठीक है, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप, साला उल्टा ही चलता है, बोल रहा है बैक बाइसेप करूँगा। अगर मैं इसको ये बोल देता फिर क्या बोलते है कि मैं चेस्ट करूँ? ये हरामी है भाई, एक तो होते हैं हरामी, ये हिला हुआ है भाई शेर, सही बता रहा हूँ। कभी बोलता है लेग मार देंगे, बता ही नहीं रहा, अपना भी माइंडसेट ख़राब कर रहा है, हाँ हमारा माइंडसेट ख़राब कर रहा है। हमको एक पार्टनर की ज़रूरत है जिम में यार, जो मैं थोड़ा सा वेट उठाने में मदद कर सके। हैवी वेट तो तभी मारेंगे ना भाई, मानता ही नहीं है यार शेर। देखो ना स्ट्रेचिंग ना वो मप कुछ नहीं, शेर चल दिया सीधी मारेगा बैक की एक्सरसाइज, मशीन देख रहा है कैसे लगेगी। यस सी। तो दोस्तों अभी वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप नहीं वॉकिंग करेंगे, फिर थोड़ी सी जॉगिंग करेंगे, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग हो जाएगा शुरू। देखो आँख सूज रही होगी पूरी रात, नहीं सोच रही आँख, क्या मुँह भी सूज रहा है, तो मुँह सूज नहीं रहा है तो वेट बढ़ गया, दिक्कत। देख रहे हो आज साथ में पता है कौन है? शेर। लग नहीं रहा प्रोफेशनल जिमर, हेडफोन लगा के, जैकेट पहन के, लुई विटोन की पता नहीं किसकी है, हेस किटेड जूते, देख रहे हो जूते, हील पहना था ना इससे तो अच्छा भयंकर, इतने बड़े सोल भाई, हील पहना था भयंकर। शेर छो में आ गया, बंद कर देता हूँ भाई, शेर उल्टी सीधी बोले इससे पहले। चल शेर, ले चीता, मजा आ रहा है फिर आज मेरे साथ वर्कआउट करके। ले यार शेर तो बना कर रहा है वर्कआउट आने से। बाकी भाई अभी चेस्ट का खत्म हुआ, शोल्डर का चल रहा है, शोल्डर की 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 करनी है हमें। बाकी मिलते हैं आपको आगे, एक बार मार लेते हैं जिम, ठीक है भाई। भोजपुरी खाने की वाइब्स देख रहे हो तुम, तगड़ी आ रही है भाई, पॉप भी तगड़ा आ रहा है। हाँ जी भाई, की हाल चाल है? वधिया हो तुसी? वधिया हो? साड़ी तो निकल गई भाई यार, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और वर्कआउट ख़त्म हो गया भाई। बाकी जब सुबह आए थे तब ठंड हो रही थी,
तब हमने हुडी पहन के आए, फिर हमने वर्कआउट सैंडो में किया, अब हम हुडी सिर्फ लगा के आ रहे हैं वापस। ठीक है, वर्कआउट मैंने बता ही दिया था हमारा क्या था। और भाई मैं जिम का इसलिए शूट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अपनी आपको लोगों को बॉडी नहीं दिखाना चाहता। अगर मैं आपको बॉडी दिखा दूँगा तो फिर मेरे पास स्पॉन्सर आने लग जाएंगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करे मेरे गोल से। भाई कोई दिला दो यार, बॉडी अच्छी नहीं है, बिना सप्लीमेंट के बॉडी अच्छी नहीं बनती है। कोई स्पॉन्सर दिला दो भाई, कोई अगर इसको वीडियो को देख रहा हो तो कहीं भेज दो इस वीडियो को, बोल दो कि इसके इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स हैं, भाई कोई दिला दो स्पॉन्सरशिप बैंकर। परेशान आ चुका हूँ मैं, मिल जाएगी पर एक दिन। ब्लीड पेशेंस सब कुछ रखना होता है आगे बढ़ने के लिए। तो अभी फ्रेश हो लेते हैं फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। यार क्या धूप लग रही है, हाँ हाँ ग्लो मार रही है स्किन मेरी। तो भाई अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में पता है क्या, पोहा विद 1 कप ऑफ लार्ज कप ऑफ कॉफी। ठीक है भाई, और अभी व्लॉग एडिट करेंगे, डालेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे। यार पूरी रात नहीं सोया इसकी बहन की है ना, और भाई अब दिन में क्या हो गया पता है, शेर दूसरा आ गया, अब सोने नहीं दे रहा यार, क्या करें। डार सर्कल देख रहे हो यार, तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, तुम एंकर व्यूज नहीं लाते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कैसे काम चलेगा। ओ वैलिया दा भी डैड ये मुंडा, यारी पीछे मैड ये मुंडा, पिट पीछे जो बोक देने साडे ही कुत्ते पाले आ। देख रहे हो पूरा तो पहनने दे। देख रहे हो दोस्तों, शेर हो रहा है, कुर्ता पजामा पहन के तैयार। अरे मेडिसिन ए ये ट्रेडिशनल गाली देने जो चमक रहा है। देख रहे हो भाई मेरा चमक रहा है, हाथ पीछे कर लो। देख रहे हो वैंकर, गरबा खेलेगा तू? अच्छा नहीं हो गया गरबा? आज मैं गरबे के साथ खेलूंगा। अच्छा नहीं, बाल नहीं कटाते? बाल नहीं कटेंगे, बाल दिसंबर में कटेंगे। अरे अरे ये भी तो गुजरातियों का फैन है भाई। मैं तो यार पागल हो चुका हूँ, इनके साथ रहेगी ये साले यूपी के कहा गुजरात डेरा डालने वाले हैं। देख रहे हो किसी को दिखा के आता हूँ, वो तो है ही नहीं देखने वाली तुम्हारी यहाँ। अरे यार भाई ये सोने नहीं दे रहे हैं यार, क्या करूं मैं, शाम को ट्रेनिंग में जा रहा हूं, ये तो जाएंगे नहीं भाई। देख रहे हो शेर, तुझे वीडियो बनाने लग गया यार। यार तो दिखा रहे हैं तुम्हें व्लॉग में, मेरी जनता देख रही है तुम्हें, 5 करोड़ लोग देखेंगे तुम्हें। 5 करोड़ हाँ भाई, शेर तो ये लग रहा है। अरे ले ले जा अपना, निकाल दिया, बॉडी दिखा रहा हूं। कुछ बोलोगे? मैं गुजरात हूँ, कुछ बोल रहा है तुझे भाई? मुझे ढोकला नहीं पसंद है भाई। क्या नहीं पसंद तुझे? ढोकला पसंद नहीं। तुझे क्या नहीं पसंद? मुझे सब कुछ पसंद। देना लिट्टी चोखा पसंद है। से समथिंग तो फिर तो तुझे चैनी खानी भी पसंद होगी। शेर लिट्टी चोखानी पसंद। शेर आज जो मेरी नींद की इन लोगों ने ऐसी की तैसी मार रही है ना, एक एक 10-10, 15-15 मिनट बाद आगे कोई भी डेक 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 ए कदार ना चल रहा है, डेक 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 ए ये हो गया, डेक डेक तेरी भयंकर वीरनम ए। अब एक मुझे आगे बोल रहा है तेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, हे भगवान इससे बचाओ मुझे, नर्क बना दिया इन लोगों ने जिंदगी, नर्क एक्टिंग एक्टिंग देख लो मेरी, नर्क बना दिया इन लोगों ने जिंदगी मेरी, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कॉफी पी लेता हूँ। देखो एक्टिंग देख रहा हूँ, एक्टिंग देख रहे हो, ये एक्टिंग नहीं है ये सच्चाई है भाई, समझ रहे हो सच्चाई। आज यार लड़ो यार, हॉस्टल में लड़ाई देखने को मिल रही है, क्या कर दो यार तुम, कैसे मालूम है तुझे कश्मीरी है तू पत्थर। सॉरी यार, सॉरी यार, क्या पत्थर वजह नहीं कर रहा है यार, मेरा मुंह से निकल जाती है कभी भाई। अरे मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। अरे नहीं वो भाई मत मानियो यार, हाँ इनके लिए मान ले भाई। तो भाई अभी जा रहे ट्रेनिंग, ठीक है रिकवरी तो कद्दू नहीं हुई, कद्दू की भी, और भाई बाकी मिलते हैं आपको आगे बताएंगे, आपको अपडेट देंगे क्या ट्रेनिंग में होगा क्या नहीं। तो भाई हम अकेडमी आ गए, ठीक है, और अभी मैं ये बोल रहा था कि यार एक एक बात मुझे याद आ गई, ठीक है,
कि भाई आप लोग ना किसी को जज मत करो, ठीक है, ना किसी के बारे में बुरी बातें बोलो, ना किसी के बारे में बुरी चीज़ें बताओ किसी को, ठीक है। ये मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूँ। लोग मुझे DM करके बोल देते हैं, यार भाई तू कैसे गाने डालते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे और व्लॉग्स में गालियाँ भी दे देता है कोई, मतलब मेरी एज के ही लोग हैं वो जो बोल रहे हैं इस चीज़ को। यार आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि कौन सा जमाने, पता है कौन सा जमाना चल रहा है जिसमें सब कुछ ओपन है आजकल, समझ रहे हो भाई। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ यार, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं आपको प्लीज़ बोलूँगा कि यार मुझे ब्लॉक कर दो या फिर जो भी मन करे यार वो करो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचो। मेरा परिवार, मेरा मैं अपने बारे में, मोस्टली तो मैं परिवार को भी नहीं बोलता, मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ ये मैटर करता है, ठीक है। परिवार तो सोचता रहे, परिवार से तो पास में रहता ही नहीं अभी, ठीक है। और भाई ये जो बिगड़ने वाली बात बोल रहे हो ना भाई, नहीं, गलत वहम में हो आप। बाप की मेहनत और घर की परेशानियाँ जिसने देखी है ना, वो कभी नहीं बिगड़ सकता, कभी भी, याद रखना है ये बात। तो किसी को ऐसे जज करने से पहले ना 100 बार ही सोचो कि तुम किसको क्या बोल रहे हो। बाकी हम ट्रेनिंग कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं बिल्कुल खुश, और उसके साथ में अभी जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे, मारेंगे बढ़िया सेशन और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों क्या हाल है आपके, भाई अपने बढ़िया, और अभी रेस्ट मिला है। अभी जो आज का हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है वो चल रहा है कंट्रोलिंग के ऊपर, फ्रंट लेग और फिर किकिंग। मेरा फ्रंट लेग काफ़ी वीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सही करने की, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना इस चीज़ के लिए कि यार इतने टाइम से आपने अपना फ्रंट लेग सही नहीं किया। आई नो कि मेरी गलतियाँ हैं, मुझे वो सुधारनी है, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको आगे भी, पानी वानी पी लेते हैं।
हुई खत्म और अभी है मसाज, हम कराएंगे मसाज। आज का ट्रेनिंग में आपने देख लिया होगा क्या था क्या नहीं था, ठीक है। बाकी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं हम खुद में देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाए, ठीक है। दोस्तों अभी चल रही है मसाज और मसाज लेने के बाद हम आपसे मिलेंगे ज़रूर। मसाज भी बहुत ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए, समझ रहे हो। और मुझे तो पता नहीं कितना टाइम हो गया मसाज लिए, क्योंकि यार कोई देना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं भी किसी को देना पसंद नहीं करता। मसाज की बात कर रहा हूँ, उल्टा मत सोच लेना। पेन हो रहा है ना शोल्डर, तो भाई फट चुके हैं शोल्डर, समझ रहे हो। कि आज किकिंग भी कर रहा था ना, तो शोल्डर पैड भी पकड़ रहा था ना, तो शोल्डर पकड़ने में बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि आज मॉर्निंग में शोल्डर का वर्कआउट था ना, तो ख़त्म कर दिए बिल्कुल। बाकी एक बार ख़त्म करते हैं ट्रेनिंग, उसके बाद मिलते हैं। नहीं, ऐसी की तैसी करा चुके हो, करा के वापस आ चुके हैं और अभी फ्रेश होंगे और डिनर विनर करेंगे। बाकी तो जो मैंने बोला था उस पर ध्यान देना, किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने पहले ब्लॉग में बोला हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है यार। एक जिस एज में आ जाते हैं ना हम लोग, सोचते हैं कि यार ये ऐसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैटर करता है, ठीक है। मैं भाई कोशिश करता हूँ कि जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा हो मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मैं आपको कहीं ऐसे तो है नहीं कि मैं आपको भाई बाहर दूर दूर की जगह एक्सप्लोर कराऊँ, ठीक है, बाहर कॉम्पिटिशन खेलने जाऊँ, वो दिखाऊँ, वो तो नहीं है भाई, वो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतना फंड्स नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें कर सकूँ आप लोगों के लिए। बट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, और वही जो अच्छी चीज़ें है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं वही आप लेना। बाकी जो लगे कि हाँ यार ये मेरे लिए नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट मत करना, उसको करना इग्नोर, इधर से सुनना इधर से निकाल देना, ठीक है। तो ये अभी फ्रेश हो लेते हैं, फिर मिलते हैं। चल रही है रिकवरी, ठीक है, रिकवरी में वही प्रोटीन और डिनर भी लेंगे हम, डिनर करेंगे, जो भी बना होगा उस समय में अच्छा ही बनता है, देख के ना स्पाइसी होता, और दाल वाल जिसमें प्रोटीन, जिसमें मतलब एक अच्छा है कि एथलीट के लिए जो खाना होता है वही बनता है। और भाई बाकी आज यार एक बात हो रहा है कि आज घर बात करके ना अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम वीडियो कॉल में बात करी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि यार बहुत अगर बार बार बात करता हूँ ना तो बहुत याद आती है घर की, तो इसलिए काफ़ी कम बात करता हूँ मैं बच्चों से बात की। भाई मैं एक बार भी नहीं मिला, पता है उनसे, एक छोटी गुड़िया है उससे तो मैं मिला ही नहीं भाई, एक बार भी, ठीक है। और जब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब कुछ हो, कब मैं उन लोगों के साथ जाऊँ, बड़े हो जाएंगे तब तक हो, चलो जो भी है, बहुत मिस करता हूँ मैं ये वाला टाइम। बट ये हार्ड टाइम है, और हार्ड टाइम में ही क्या होता है कि तुम समझ जाते हो अहमियत लोगों की, परिवार की। टफ सिचुएशन में हमेशा तुम सबकी अहमियत, या कौन तुम्हारी लाइफ में कितना रोल निभा रहा है, सबकी जान जाते हो क्या है क्या नहीं है। उन बच्चों से मैं मिला नहीं, पर हर दिन मुझे याद आती है, मैं सोता हूँ ना तो मुझे कभी कभी सपने आते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। और पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ उन लोगों के लिए, पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसा, या मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी मुझे नहीं जाना चाहिए, जबकि ये सब चीज़ें नॉर्मल है। बट एक होता है ना कि जो मेंटलिटी है उसको चेंज करने में टाइम लगता है, तो शायद वही मेरे साथ हो रहा है, कर रहा हूँ धीरे धीरे, बट देखते हैं क्या होगा, ठीक है। बाकी अभी पी लेते हैं। और हाँ भाई, मैं सोच रहा हूँ कि डिनर क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, नॉर्मल दाल चावल रोटी खाता हूँ मैं, कोई इसमें स्पेशल तो है नहीं। तो मैं इस व्लॉग को करूँगा यहीं ख़त्म, होप आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।